Welcome. Miscellaneous Questions RBI Grade B Officers Exam के Previous Years के Miscellaneous Questions में आप सबों का स्वागत है. Two questions मैंने लिए हैं, 2016 के memory best हैं, बहुत ही शानदार हैं, समझ जाने पर आसानी से बनाए जाने लायक हैं, लेकिन chapter पर command खोजता है. आइए, first question Botany Stream का है. Botany Stream आजकल favorite chapter होता जा रहा है हर exam का, जिसमें depth का question पूछा जाना है. The respective ratio between the time taken by a boat to travel the same distance downstream in stream A and that in stream B is 8:7. The speed of the boat is 12 km per hour and the speed of stream A is half of the speed of stream B. What is the speed of stream B in kilometer per hour? ये favorite क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो usual method था, उसमें current flow करता था तो करता था, नाव चलती थी तो चलती थी, न still water में speed बदलता था, न current या धारा की चाल बदलती थी. इसीलिए 10 मेरा है, 3 करंट का है, तो डाउन में 13 से बहते रहते थे, बहते रहते थे. अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सुबह में धारा 3 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, शाम में 4. मंडे को कुछ होता है, ट्यूसडे को कुछ होता है, वेंसडे को कुछ होता है, करंट का स्पीड बदलता है और बोट या स्विमर का स्पीड भी बदलता है, सो दैट कि नए रिजल्टेंट स्पीड्स पैदा होते हैं. डाउन मतलब सम ऑफ द स्पीड्स और आपका मतलब डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स, यही एक्ट करता है. यहां पर स्विमर तो एक ही है, एक व्यक्ति जाता है, उसका स्पीड तो, बोट का स्पीड तो 12 किलोमीटर पर आवर है, वो नहीं बदलता. 12 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में स्पीड, वो नहीं बदलता, लेकिन करंट का स्पीड अलग अलग है, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी है. समझ लीजिए गंगा है एक यमुना है, अलग अलग रिवर में जाते हैं या अलग अलग स्पीड है, भले ही सुबह शाम अलग अलग जाते हैं अलग अलग स्पीड में, सेम नदी हो तो जो भी हो, स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी. ये दिया है कि स्ट्रीम ए का जो स्पीड है वो हाफ है स्ट्रीम बी के, यानी स्ट्रीम बी का यदि 2 किलोमीटर पर आवर होगा तो ए का 1, मालूम नहीं कितना. तो ए जो है बी का हाफ है, बी ए का डबल क्यों ना है? जैसे ही समझ में आएगा चीजें समझ में आ जाएंगी. तो डाउन में जो स्पीड होगा, दोनों डाउन ही है, तो स्ट्रीम ए में जाएंगे तो 12 प्लस एक्स और स्ट्रीम या के 12 प्लस के एक्स, चूंकि हम लोग एक तरह से डाउन और अप के लिए एक्स वाई मानते हैं तो वो दिमाग में बैठा रहता है, तो उसको बैठे रह दीजिए, के मान लेते हैं 12 प्लस के, और स्ट्रीम बी में जाते हैं तो 12 प्लस 2 के. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 प्लस और 12 प्लस, स्ट्रीम ए ऊपर स्ट्रीम बी नीचे, ये हाफ है तो ये इसका डबल है ना, 2x क्यों ना बोले. ये क्या है? ये स्पीड है डाउन में, स्ट्रीम ए में और स्ट्रीम बी में. अब कह रहा है कि इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस, दूरी समान है, सेम डिस्टेंस तय करना है, तो टाइम का रेशियो 8:7 है तो स्पीड का रेशियो 7:8 होगा कि नहीं, 7:8 होगा कि नहीं, 7:8 होगा कि नहीं. सॉल्व करने का तरीका वो अलग होगा, सॉल्व करने का तरीका अलग होगा. देखिए मैं सॉल्व करता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए मैं कहता हूं 14x 8x 6x, देखिए 14x एंड 8x 6x इज इक्वल टू 1 × 12, यानी कि x इज इक्वल टू या k इज इक्वल टू, इसको k बोलते हैं, के बोलते हैं, तो के इज इक्वल टू 2, हमें निकालना है 2 के,
2 × 2, 4 km/h is the answer. क्योंकि हमें स्ट्रीम B में निकालना है, A में नहीं, B में निकालना है. बोलिए समझ में आ गया? चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर. ये हमारा आंसर था 4 km/h यानी कि D. ठीक है, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है और ये सब फेवरेट एरिया है आजकल ग्रेड बी एग्जाम्स की और SBI एग्जाम के, नाबार्ड की. टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट 18 वुमेन टेक 4 मोर डेज देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 12 मेन. इफ 8 मेन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 9 डेज देन हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट व्हेन 15 वुमेन एंड 12 मेन टुगेदर वर्क फॉर 3 डेज. जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पूरा कमांड नहीं होता है उनको टाइम एंड वर्क में भी ये लगता है कि आखिर शुरू कहां से करें, कुछ समझ में ही नहीं आता. तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जानते क्या हैं उसको ही ध्यान में रख करके शुरुआत का बिंदु तय होगा. आप जानते हैं कि मैन और विमेन का रिलेशन दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में. आप जानते हैं कि एक मैन का रेट दिया हुआ होना चाहिए काम करने का और एक विमेन का भी रेट दिया हुआ होना चाहिए, तो आप बता सकेंगे कि दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, कितने दिन में कितना काम कर सकते हैं और मैन और विमेन का आपस का स्ट्रेंथ के ख्याल से रिलेशन क्या है कि कौन किसका कितना गुना है या कितने मैन बराबर कितने विमेन. ये चाहिए तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इसके बाद आपको ये देखना होता है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है. निकालना है कि व्हेन 15 विमेन और 12 मेन टुगेदर वर्क फॉर 3 डेज तो कितना काम बाकी रह जाएगा. अच्छा, कितना काम हो जाएगा ये तो मालूम हो जाए. यानी 15 विमेन 3 डेज में कितना काम करते हैं प्लस 12 मेन 3 डेज में कितना काम करते हैं, ये हमें चाहिए. इसके लिए वन मेन का या वन विमेन का या दोनों का हमें वर्क चाहिए, रेट चाहिए. और इसकी शुरुआत होती है इफ 8 मेन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 9 डे, इस लाइन से, यहीं से शुरुआत होती है. ये बिना पेन पेपर के भी बन सकता है, मैं बोल देता हूं. चलिए सुनिए तो समझ में आता है कि नहीं. रेडी बोलता हूं. 8 मेन 9 डेज में वर्क कर सकता है तो 1 मेन 72 डेज में वर्क करेगा, 1 मेन 72 डेज में वर्क करेगा तो 12 मेन 6 डेज में वर्क करेगा. 12 मेन जितना समय लेता है उससे 4 ज्यादा लगता है 18 विमेन को, तो 6 + 4 10 डेज लगेगा विमेन को, 10 डेज लगेगा विमेन को. 18 विमेन 10 डेज में वर्क कर सकती हैं तो 1 विमेन 18 × 10 180 डेज में करेंगी, 1 विमेन 180 डेज में करेंगी तो 15 विमेन 12 डेज में करेंगी, 12 डेज में पूरा वर्क करेंगी तो 3 डेज में 3/12 1/4 वर्क विमेन ने किया. इन 15 विमेन ने 1/4 वर्क किया और 12 में अभी हमने निकाला था 12 में 6 डेज में वर्क कर सकते हैं तो 3 डेज में हाफ वर्क किया, हाफ वर्क मेन का 1/4 वर्क विमेन का, तो कुल मिला के 3/4 वर्क हुआ कि नहीं. अलर्ट अलर्ट अलर्ट. दोनों ग्रुप ने मिलकर के 3/4 वर्क किया तो कितना काम करना बाकी रह गया, ये पूछा है. अब मैं आपको लिख के बताता हूं. देखिए मैं शुरुआत करता हूं जैसे मैंने कहा 8 मेन, अब लिखने पर लगेगा लंबा चौड़ा लिख रहा हूं, 8 मेन 9 डेज में कर सकता है वो, तो 1 मेन 8 × 9 72 डेज में करेगा, तो 12 मेन 72 × 12 यानी 6 डेज में करेगा, 12 मेन 6 डेज में वर्क कर सकता है तो 3 डेज में कितना वर्क करेगा बाद में यूज कर लेंगे, 12 मेन 6 डेज में वर्क कर सकता है तो 18 विमेन कितने में करेंगी 4 डेज मोर यानी 10 डेज में वो वर्क करेंगी, तो 1 विमेन कितने में करेंगी 18 × 10 डेज में करेंगी यानी 180 डेज में, तो 15 विमेन इस वर्क को कितने दिन में करेंगी
180 बाय 15 12 डेज में करेंगी, हो गया 12 डेज में करेंगी। अब 15 वेमेन को वर्क करना है और 12 मेन को वर्क करना है, तो 12 मेन है और 15 वेमेन है, ये 3 डेज में कितना वर्क करेंगी, 3 बाय 6 मेन यानी हाफ वर्क। 15 वेमेन 3 डेज में कितना वर्क करेंगी, 15 वेमेन कर सकते हैं 12 डेज में वर्क, तो 3 बाय 12 1/4 वर्क करेंगी, यानी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 3/4 वॉक हुआ, वॉक तो वॉक लेफ्ट क्या होगा 1 माइनस 3 बाय 4 यानी 1 बाय 4 यानी कि डी आंसर। बोलिए समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। टुकड़ों टुकड़ों में मैं लगातार आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए डिफरेंट सेक्शंस इनइक्वालिटी से लेकर के डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज, उसमें अलग से उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मिसलेनियस के 4-5 वो अलग, और डेटा सफिशिएंसी भी आता है, तो इन सारे सेक्शंस में मैं क्वेश्चंस देता रहूंगा। आप जितना संभव हो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन बेसिक्स को मत भूलिए, चैप्टर्स में जाकर के डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन चाहे कितने भी डेप्थ का हो, कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं होता। ऑल द बेस्ट।